बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। तो गाइस मैं तो यहां परमानेंट साड़ी पहनती हूं, साल के 365 दिन साड़ी ही पहनना है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर आज प्याज की पकौड़ी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन ये है ना कि मॉर्निंग में सब लोग खाना थोड़ा सा हल्का ही सबने खाया था, क्योंकि तबीयत नहीं की थी किसी की सही थी। तो इस टाइम पे ये हुआ कि चलो कुछ बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो प्याज की पकौड़ी बना लेते हैं। लेकिन पहले मैं इसमें प्याज नहीं ऐड करूँगी, पहले मैं ऐसे ही दो तीन पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। तड़का पैन में मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जो कढ़ाई है ना उसमें पहले से तेल था, तो लड्डू गोपाल के लिए एक तड़का पैन में मैंने निकाल लिया है। तो बस यहाँ पर इसको निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तो लड्डू गोपाल की मैंने निकाल ली, उन्हें चला गया है। तो अब मैं जो है प्याज करूँगी, प्याज वाली पकौड़ी। तो गाइस ऐसे ही मैं लगभग सब चीज़ों में करती हूँ, पहले मुझे लड्डू गोपाल के लिए जो करना होता कर लेती हूँ, तो फिर बाकी अपने लोगों के लिए करती हूँ। तो यहाँ पर पकौड़ी बन गई है और मैं निकाल ले रही हूँ। आप भी आ जाइए शाम को, यम्मी यम्मी सी पकौड़ी खा लीजिए और साथ में चाय भी है। तो अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाइट भी बीच बीच में चली जाती है। तो ये देखिए गुनी शरद उनके पापा बैठकर जो है मज़े से, पहले यहाँ पे ना बट ट्राई नहीं तो बच्चे क्या है ना फटाफट से खाते हैं, कोई कहेगा मुझे कम मिली, कोई कहेगा मुझे ज़्यादा मिली। तो ये देखिए ये लोग यहाँ पर खाना स्टार्ट कर चुके हैं, मैं बना रही हूँ वीडियो। और वो देखिए लड्डू गोपाल जी शान से बैठे हैं, कूलर भी अभी मतलब लाइट चली गई है, आती जाती रहती है। तो बस उसके बाद फिर नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद गुनी के पापा जा रहे हैं, अब आएंगे रात को 10 बजे लगभग। और इसके बाद मैं आ गई रूम में, रूम को थोड़ा सा जो है ठीक कर लूँगी। अब बच्चे बैठेंगे, बैठने पे ना क्या होता है ना कुछ चद्दर जो है ना सिकुड़ जाती ही है, तो जितना भी करो हो जाता है। तो मिल लीजिए लड्डू गोपाल जी से, ये देखिए बैठे हैं लड्डू गोपाल जी। तो बस अब चल रही हूँ बाहर, बाहर भी मुझे अभी बहुत काम है। सबसे पहले मैं बाहर लाइट जलाऊँगी शाम की, मतलब जो हो जाती है गोधूली का टाइम है ना, और अम्मा भी लेटी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी कम सही है। तो मैं कपड़े उतार लूँ, उसके बाद फिर जो है आंगन की लाइट जलाऊँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? राधे राधे। ये क्या हाल चाल है? और आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ पे सेफ होंगे। तो इवनिंग का टाइम है और मॉर्निंग की रूटीन तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। इस समय मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बच्चों की क्लासेस चलती है ना, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत कि क्या हाल है गर्मी का। और शाम हो गई है एकदम, मतलब अंधेरा होने ही वाला है जस्ट। तो मैंने सारे काम कर लिए हैं, काम का मतलब कि गुरी के पापा गए चाय नाश्ता करके और कपड़े उतार लिए हैं। अब यहाँ पर बेडशीट डालनी है, बट अभी पहले बेडशीट डालूँगी नहीं। देखिए पिलो में भी कैसे पाउडर लगा दिया बच्चों ने। तो पहले मंदिर में दिया जलाऊंगी, उसके बाद ही फिर कुछ काम करूंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आता है। और गले में भी मैंने निकाल दिया, लेकिन गुनी के पापा बिगड़ते हैं कि निकाल दिया है, खा लिया खा लिया, उसे भी मुझे डालना है। लेकिन चलिए पहले मंदिर में दिया जला लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से मंदिर में दिया जला लेते हैं। इवनिंग के सारे काम हो गए हैं, मेरे डेली के काम इवनिंग के ऐसे ही रहते हैं कि जो कुछ भी नाश्ता पानी करना हुआ वो किया, और उसके बाद गुनी के पापा लगभग ही आ जाते हैं तो वो जाते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा समेटती हूँ सामान वगैरह, बेड वगैरह थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मंदिर में आती हूँ। तो दिया जला लेती हूँ, तो उसके बाद फिर चलते हैं किचन में। एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिएगा। सो गाइस मंदिर में बाहर दिया हो गया और लड्डू गोपाल कमरे में थे, तो यहाँ पर मैंने इनको धूप दिखा दिया है, क्योंकि ये मंदिर में मैं नहीं ले गई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस समय लड्डू गोपाल मेरे जो है ना वो हम लोग के साथ ही रहते हैं पंखे के साथ में। दिया जला लिया मैंने, दिया जलाते भर में ही इतनी ज़्यादा गर्मी कि मतलब दिमाग नहीं काम करता है एकदम से। 7 बज रहे हैं, मतलब नहीं 7:15 हो रहे हैं, अभी 15-20 मिनट बाकी है। अब चल रही हूँ
किचन में। और ये देखिए हमें मैंने पंखा लगा रखा ऑलरेडी, लेकिन ये पंखा बस उतनी ही देर चलता है जितनी देर मैं मतलब एक्स्ट्रा काम करती हूँ और गैस चला लेती हूँ, तो ये पंखा फिर बंद करना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, सारी मतलब गैस जो है ना सब उड़ती है ना, तो फिर समझ में नहीं आता, गैस भी वेस्ट होती है प्लस हमारे जो चीज़ बनाते हैं उसमें आँच भी पूरी नहीं आती है। तो चलिए पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे जो है मिलती हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go. और आटा मैं लगभग जो है ना सबसे पहले स्टार्टिंग में ही गूंथ के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आटा खूब अच्छे से सॉफ्ट होता है, रोटी उसकी बहुत अच्छी बनती है। कितना भी अच्छा आप खूब अच्छे से मलिए, खूब गूंथिए उस आटे में, और लगभग अगर आप काम की स्टार्टिंग में आटा गूंथ के रख देते हैं तो उस आटे में बहुत डिफरेंस होती है। रोटी बनाकर आप एक बार देखिएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं मैं मलती नहीं हूँ, बस मैं सबसे पहले बना के रख देती हूँ, आटा मल के रख देती हूँ, तो उससे क्या है ना रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो बस आटा लगा के रख दिया, अब चल रही हूँ सब्ज़ी बनाने, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी तो फ़ैन ऑन किया था लेकिन अब सब्ज़ी बनानी है तब तो फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा। चलिए अभी पहले सारी सब्ज़ी की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद फिर सब्ज़ी बना लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पनीर की सब्ज़ी विदाउट ओनियन एंड गार्लिक। तो लड्डू गोपाल के हिसाब से बनाऊँगी ना तो सारे लोग ऐसे ही खा लेंगे, अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने पनीर को पहले ही फ्राई कर लिया था बहुत हल्का सा, उसके बाद सेम कढ़ाई में मैंने डाल दिया है जीरा, तेज़पत्ता, सॉरी मतलब बड़ी इलायची। तो इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो इसके बाद जो है ना ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मतलब भून लिया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है ग्रेट किए हुए अदरक, अदरक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, और इसे इसका कच्चापन निकलने तक इसे अच्छे से भून लिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर पूरी प्योरी नहीं बनानी है, हल्का सा मतलब मोटा ही रखना है, और इसके साथ ही इसमें डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी भी डाल दी है इसी समय, और इसमें डाल दिया है हमने मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, और सबसे पहले इसमें डाला है मैंने रेड चिली पाउडर, और थोड़ी सी मतलब काश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, और ये टोटली ऑप्शनल है, वैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बस धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इन सारी चीज़ों को डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और फ्लेम को ना मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि तेज़ आँच पे ना मसाले अगर भून लीजिए तो फिर उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती है। तो ये देखिए अच्छे से मसाला भून गया है, अब मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही जो है मैं इसमें डाल दूँगी आधी कटोरी लगभग फ्रेश मलाई है दूध के ऊपर की, और उसके बाद मलाई डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया है, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 ग्रीन चिली मैंने डाल दी है, हरी मिर्च लंबी कट करके ही, तो अच्छी लगती है ना इस वजह से मैंने डाल दी है। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसी ग्रेवी रखनी है, और ऊपर से इसमें सबसे लास्ट में मैंने डाला है वो क्या बोलते हैं कसूरी मेथी, और बस इसे अच्छे से हमें ढककर 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो 5 मिनट हो गया है, सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, और इसी साथ हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला लास्ट में डालने पर क्या होता है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी है, बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्ज़ी है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं बिना प्याज और लहसुन की। तो गाइस खाना बन गया है, और 9 बज रहा भी किसी ने खाया नहीं है, और रोटी अभी नहीं सीखी, सिर्फ खाना बना के और थोड़ा सा बर्तन था उसे धुल लिया, बाकी और कुछ भी मैंने नहीं किया, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ये देखिए। और आज मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, इम्पॉर्टेंट क्या है बस ऐसे ही, एक्चुअली क्या है कि व्यूज़ मैं इतनी मेहनत करती हूँ, जो मतलब कि जो भी शेयर करती हूँ उसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस, वीडियो को बना मतलब रिकॉर्ड वीडियो को रिकॉर्ड करना, उसे अपलोड पे डालना, उसकी एडिटिंग करना, ये सब चीज़ में बहुत मतलब मेहनत लगती है, और प्लस घर के भी सारे काम है आपको तो पता ही है, और मतलब कि फैमिली है, गांव है, तो गांव उस हिसाब से काम भी हो जाते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है कि आप काफ़ी मेरी YT सिस्टर्स हैं वो लोग अगर मतलब वीडियो डालती है ना तो साड़ी के साथ डालती हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो वो लोग अपने घर में सूट भी पहनती हैं, ट्राउज़र लोअर भी पहनती हैं, तो अगर वीडियो के पर्पज़ से वो साड़ी पहन के काम करती हैं तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो गाइज़ मैं तो यहाँ परमानेंट साड़ी पहनती हूँ, साल के 365 दिन साड़ी ही पहनना है, तो व्यूज़ हमारे में क्यों नहीं आते हैं मुझे यही नहीं समझ में आता है। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ 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 प्लीज़, और बस इतना ही कहना था। और गर्मी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, ये देखिए हाथ देखिए आप देख सकते हैं ना, जैसे लगता है ना कि मैंने धुले हुए हैं, इतना ज़्यादा गर्मी है।
तो बस इतना ही कहना था कि मतलब कि मैं तो परमानेंट साड़ी वाली ही हूँ, और जो मैं घर में साड़ी पहनती हूँ उसी के साथ वीडियो अपलोड करती हूँ। पर्सनल मैं कोई मतलब न्यू साड़ी नहीं निकालती या मैं कोई सजती संवरती नहीं हूँ, तो जैसा भी मैं घर में रहती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को मेरे जो है सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए अपना, और आगे तक ले जाइए। यहाँ तक लाए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आगे भी ले जाइए। बस इतना ही कहना था, और चल रही हूँ, थोड़ा सा धावा लूँगी, थोड़ा सा पसीना एक बार सूखेगा तो फिर चलूँगी रोटी सेकूँगी। और बस अब यहाँ पर वीडियो का एंड भी करूँगी, क्योंकि रोटी सेकना है, बच्चों को खिलाना है, अम्मा को देना है, अम्मा की थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, तो इसके आगे क्या करना है। वीडियो काफ़ी लंबी मुझे करनी भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो वैसे भी कोई नहीं देखेगा ना, तो छोटी वीडियो होती है तो ठीक रहता है। तो बस अब यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ, और वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए, और कोशिश भी मेरी यही रहती है कि मैं आपके साथ जो है अच्छी रेसिपीज़ या अपनी डेली रूटीन जो है ना अच्छे से शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, जय माता दी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.